स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आ लौटा हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओल्ड मॉडल महिंद्रा मैक्स पिकअप है। 2007 मॉडल ये गाड़ी है। तकरीबन 16 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं। अब तक जो गाड़ी परफॉर्मेंस करती है काफ़ी शानदार गाड़ी परफॉर्मेंस करती है। दूसरी तरफ है हमारे पास बुलेरो मैक्सी ट्रक गाड़ी है, 2022 मॉडल गाड़ी है। ये भी काफ़ी शानदार गाड़ी है, काफ़ी अच्छा ये भी परफॉर्मेंस करती है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारे पास जो हमारी महिंद्रा की ओल्ड मॉडल 2007 मॉडल गाड़ी है, महिंद्रा मैक्स मैक्सी ट्रक। इस गाड़ी का मैं इंटीरियर आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं तकरीबन 16 साल के बाद भी काफी शानदार गाड़ी का इंटीरियर है, काफी गजब का परफॉर्मेंस करती है। और दूसरी तरफ है हमारी 2022 मॉडल गाड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये भी हमारी काफी शानदार गाड़ी है। इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, काफी गजब का अंदर से लुक दिया जाता है आपको, बहुत ही शानदार गाड़ी है। पावर स्टीयरिंग में आप देख सकते हैं, इसका लुक देख सकते हैं, काफी गजब का इसका लुक है। बहुत ही शानदार दोनों गाड़ियां बनाई हैं। चलिए मैं आपको इसका एक बार इंजन दिखा देता हूं दोनों गाड़ियों का। चलिए हम आपको 2007 मॉडल जो हमारी महिंद्रा मैक्स पिकअप है, मैक्स मैक्सी ट्रक गाड़ी है छोटी वाली, इसका मैं आपको इंजन दिखा देता हूं। देख सकते हैं 16 साल के बाद भी जो हमारा इंजन है काफी शानदार हमारा इंजन है। अब तक जो परफॉर्मेंस है काफी गजब का ये परफॉर्मेंस करता है। 16 साल के बाद भी काफी मेंटेन करके रखा गया है, देख सकते हैं बहुत ही गजब का इसका इंजन है, बहुत ही शानदार ये इंजन परफॉर्मेंस करता है। अगर हम इसके सीसी की बात करें तो ये 2523 सीसी में आपको मिल जाता है। ये जो हमारा इंजन है ये टर्बो चार्जेड इंजन है, टर्बो चार्जेड इंजन है हमारा 2007 मॉडल का। आप देख ही चुके हैं काफी गजब का हमारा इंजन है। मैं आपको 2022 मॉडल का इंजन और दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये जो गाड़ी है हमारी 2022 मॉडल गाड़ी है, काफी गजब की ये भी गाड़ी है। 2022 मॉडल जो हमारी गाड़ी है इसका आप इंजन देख लीजिए, काफी शानदार इसका इंजन है। इसमें भी अगर हम इंजन की बात करें तो 2523 सीसी का इंजन मिल जाता है। हाँ पावर थोड़ी अलग अलग मिल जाती है लेकिन इंजन 2523 सीसी का ही मिल जाता है। काफी शानदार इंजन ये भी परफॉर्मेंस करता है। ये इंजेक्टर वाला इंजन है, ये करंट वाली गाड़ी का इंजन है। 2022 में जितनी भी गाड़ियां आपको मिलेंगी सारी की सारी करंट में मिलेंगी। 2015 तक जो पिकअप थी महिंद्रा ने वो सादी बनाई थी, 2015 के बाद सब करंट में ही गाड़ियां बनाई हैं। बाकी करंट वाली गाड़ी भी अच्छी रहती है, मेंटेन करके रखिए आप, बहुत अच्छी गाड़ी परफॉर्मेंस करती है। मैं आपको गाड़ी सब तरफ से एक बार दिखा देता हूं, देख सकते हैं आप। 2022 मॉडल बुलेरो मैक्सी ट्रक गाड़ी है, बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर हमको 13 नंबर के टायर के साथ स्टील रिम मिल जाते हैं। नई गाड़ी जब आप लेते हैं तो आपको रेडियल टायर के साथ स्टील रिम मिलते हैं। टायर साइज की अगर हम बात करें तो 13 नंबर का टायर आपको मिल जाता है। इसमें 13 नंबर का टायर है, ये टायर छोटे रहते हैं दोस्तों। नई गाड़ी के साथ आपको रेडियल टायर मिलते हैं दोस्तों। इस टायर में जो है आप वजन रखते हैं तो ये टायर दब जाते हैं, दब के ये टायर चलते हैं। गाड़ी खड़ी हुई भी नहीं दिखाई देती है, इसमें झुकी हुई दिखाई देती है। जो हमारी बुलेरो मैक्सी ट्रक प्लस गाड़ी है छोटी वाली है, ये नीचे कमानियों में गाड़ी है, आप देख ही सकते हैं इसकी कमानियां नीचे होती है। जब आप वजन रखते हैं दोस्तों तो ये गाड़ियां नीचे बैठ जाती है, थोड़ी नीचे हो जाती है, खड़ी नहीं रहती है। मैं आपको दिखा देता हूं हमारी मैक्स मैक्सी ट्रक गाड़ी जो है, महिंद्रा की ओल्ड मॉडल मैक्स मैक्सी ट्रक गाड़ी, आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है दोस्तों इसमें कड़े वाले रिम डाल रखे हैं। देख ही सकते हैं आप कितना गजब का टायर लगता है, कड़े वाले रिम डाल रखे हैं हमने इसमें और 15 नंबर का टायर डाल रखा है। लेकिन गाड़ी हमारी ये भी छोटी है, नीचे कमानियों में गाड़ी है। इसमें भी जब नई गाड़ी आई होगी तो स्टील रिम ही आते हैं इसमें, नई गाड़ियों में सब में इसमें चेंज कर रखे हैं हमने। देख सकते हैं कड़े वाले रिम डाल रखे हैं, 15 नंबर के टायर डाल रखे हैं MRF के। टायर अगर आपको डालना है तो आजकल 8,500 रुपये का टायर तकरीबन मिल रहा है दोस्तों मार्केट में। MRF का टायर ही आपको डालना चाहिए, गुड्डी वाला टायर आपको डालना चाहिए। लोड पर जो है गुड्डी वाले टायर ही काम करते हैं, काफी अच्छा ये परफॉर्मेंस कर रही है अब तक दोस्तों, काफी अच्छा रहता है दोस्तों। जो हमारा गुड्डी वाला टायर है वो वजन पर दबता नहीं है, गाड़ी तन तनाकर चलती है। लोड पर जो है ज्यादा टायर दबेगा तो फिर गर्म होएगा, गर्म होकर फटने का डर रहता है, इसलिए रेडियल टायर तो चल ही नहीं पाते हैं। इसलिए आपको गुड्डी वाला टायर डालना चाहिए और MRF का गुड्डी वाला टायर आपके लिए बेस्ट है। चलिए मैं आपको गाड़ियां एक बार सब तरफ से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाड़ियां आप एक बार सब तरफ से देख लीजिए, काफी शानदार गाड़ियां हैं, काफी अच्छी गाड़ियां रहती हैं। माइलेज की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियां हमारी 14 से 15 तक का माइलेज आराम से निकाल देती हैं, अपने हाथ में होता है माइलेज निकालना। बाकी 13 तक का तो कंपनी भी क्लेम करती है, बाकी हम 15 तक का माइलेज निकाल लेते हैं। जो हमारे दोस्त की गाड़ी है बुलेरो मैक्सी ट्रक 2022 मॉडल जो गाड़ी है, 13 तक का कंपनी भी क्लेम करती है। 2007 मॉडल मैक्स मैक्सी ट्रक गाड़ी है, 15 तक का माइलेज बड़े आराम से दे देती है। इसमें जो है सादा वाला इंजन है, ज्यादा झंझट नहीं है,
है और बहुत ही जेन्युइन गाड़ी रखी गई है, साफ सुथरी रखी गई है, टाइम टू टाइम सर्विस भी कराते हैं, तो इसी वजह से माइलेज 15 तक का दे देती है। नई गाड़ी भी 15 तक का माइलेज नहीं दे पाती है, लेकिन हमारी ओल्ड मॉडल महिंद्रा मैक्स मैक्सी ट्रक जो गाड़ी है ये 15 तक का माइलेज बड़े आराम से दे देती है। जो 2022 मॉडल अब गाड़ियां जो आजकल आ रही है 13 से 14 तक का माइलेज ही दे पाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।